हे गाइस, वेलकम टू कॉलेज मेला। माय नेम इज रश्मि। क्या आपका भी सपना है लॉ परस्यू करने का? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन लॉ के बारे में, लॉ के कोर्सेज के बारे में, लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, स्कोप्स के बारे में, सैलरी प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और जानिए और भी इन्फॉर्मेशन लॉ के बारे में। आइए हम बात करते हैं लॉ होता क्या है। लॉ स्टडीज अमूमन इंसान के हर एस्पेक्ट में काम आती है, जैसे कि बिजनेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, फैमिली, एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन। और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड द थ्री पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द यूनियन गवर्नमेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। एक लॉयर की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है अपने क्लाइंट के अधिकारों की रक्षा करते हुए लॉ का पालन करना। एक लॉयर एडवाइस कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड है, लाइक डाइवोर्स और एनी ऑफ द ट्रेड डॉक्यूमेंट्स और एनी ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ड्राफ्ट कर सकता है, वो बना सकता है एंड कैन ऑल्सो डिफेंड एंड प्रोसिक्यूट इन द कोर्ट। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो क्या आप जानते हैं अराउंड 73,000 केसेस आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और ऑल ओवर द इंडिया अराउंड 44 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। अगर आप जाना चाहते हैं लॉ प्रोफेशन के अंदर तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ की डिग्री ले लेते हैं बट दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद में लॉ प्रैक्टिस नहीं करते। एक बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर और एनी ऑफ द नोबल जॉब्स। एक इंसान वकील के रूप में कानून का रक्षक होता है, अपनी कंट्री को सर्व करता है और उसके रूल्स और रेगुलेशंस की रक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई के लिए द पॉपुलर एंड द बेस्ट कॉलेज इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। देर आर 23 नेशनल यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफर्स 2,622 सीट्स इन इंटीग्रेटेड कोर्सेस, 852 सीट्स फॉर LLM प्रोग्राम। और नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको देना होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि लॉ कैसे ऑप्ट करे 12th के बाद। एक कैंडिडेट जो कि लॉ चूज करना चाहता है 12th के बाद, उसे सबसे पहले एग्जाम देना होता है क्लैट का, जिसे हम कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या फिर और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एक कैंडिडेट 12th के बाद इन एंट्रेंस एग्जाम्स को देकर लॉ चूज कर सकता है, जो कि है जिनमें सबसे पहला है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एडमिशन के लिए इन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर BA LLB और BCOM LLB और BSc LLB। और क्लैट का एग्जाम सभी NLUs में एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा आता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। ये ऑफर करता है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स और 2 साल का LLM। NLUD ऑफर्स 83 सीट्स ऑफ BA LLB प्रोग्राम। थर्ड आता है SLAT एग्जाम, जिसे हम बोलते हैं सिम्बिसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है सिम्बिसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो कि ऑफर करता है 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ। PU एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। PU LLB एंड BCOM LLB एग्जाम डज नॉट हैव अ सेक्शनल डिविजन लाइक अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। IPU CET लॉ, विच इज कंडक्टेड फॉर the admission in BA LLB or integrated course, and this exam is conducted by the Indraprastha University। आइए अब हम बात करते हैं क्लैट के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहता है लॉ की डिग्री तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स चूज कर सकता है, जैसे कि BA LLB है, BCOM LLB है। कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, वो ऑप्ट कर सकता है लॉ। आप चाहें तो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में लॉ ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि 3 साल का होगा। और अगर आप चाहते हैं 12th के बाद डायरेक्टली लॉ ऑप्ट करना तो आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी लॉ की डिग्री बाहर से की है, यानी कि अब्रॉड से की है और आप चाहते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करना, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आप लॉ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो अगर आप इंडिया से लॉ कर रहे हैं तो इंडिया में ही प्रैक्टिस करना वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर
और अगर आप बाहर की कंट्री से आकर यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, बट इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन द सेम कंट्री फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर डिग्रीज। और अब हम बात करते हैं क्लैट के एग्जाम के बारे में। क्लैट एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है एडमिशन लेने के लिए इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। 12th के बाद क्लैट एग्जाम देने के लिए अराउंड 45% कैंडिडेट को गेन करना जरूरी है एंड इन केस ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इट इज 40%। क्लैट की एप्लीकेशन फीस है 4000 एंड इन केस ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इट इज 3500। देयर आर अप्रोक्स 2175 सीट्स आर अवेलेबल फॉर क्लैट एग्जाम। और अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं या अपेयर करना चाहते हैं तो इसके एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 1st of January से और जो लास्ट डेडलाइन है वो है 9th of May 2022। आप क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं जो कि है consortium of NLUs.ac.in। वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं क्लैट के एग्जाम के लिए। और अब हम बात करते हैं यूजी क्लैट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ये एग्जाम 2 आवर्स का होता है जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। ये पेपर 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन 5 सब्जेक्ट्स में ये पेपर डिवाइड होता है। और अब बात करते हैं कोर्सेज इन लॉ। सबसे पहले अगर आप 12th के बाद में अप्लाई कर रहे हैं लॉ के लिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 5 साल का होता है जिसमें हम ग्रेजुएशन भी करते हैं और LLB भी करते हैं जिसे हम बोलते हैं BA LLB, BCom LLB और BSc LLB। और इसमें ऑनर्स का कोर्स भी होता है और इसके मास्टर्स डिग्री भी होती है जिसे हम LLM कहते हैं जो कि 2 साल का होता है। और अब हम बात करते हैं कि लॉ फील्ड के अंदर क्या स्कोप्स हैं। एक लॉयर का बस यही काम नहीं है कि एक ट्रिब्यूनल या कोर्ट रूम के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो, ये इसका स्कोप और भी वाइडर है। तो आइए अब हम जानते हैं कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर और अ लीगल एडवाइजर। कॉर्पोरेट ये लॉयर डील करता है बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज से जो कि बिजनेस में जो भी लीगल इश्यूज आते हैं उससे डील करता है। और सेकेंड आता है LPO लाइक लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसमें हम हमारी सर्विसेज हम आउटसोर्स करते हैं दूसरी कंपनीज को। गवर्नमेंट जुडिशरी जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक लॉयर के लिए। एक कैंडिडेट जुडिशरी के लिए तभी जा सकता है जब उसे इंटीग्रेटेड कोर्स में अराउंड 55% मार्क्स मिले हों। और जुडिशरी में आप अपीयर कर सकते हैं एंट्री लेवल जज या फिर स्टेट लेवल जज या फिर सिविल जज के डिवीजन के लिए। अब आता है लीगल एनालिस्ट। एक पर्सन एज अ लीगल एनालिस्ट वर्क कर सकता है लॉ के साथ, एक लीगल एनालिस्ट कंडक्ट कर सकता है रिसर्च, लीगल डॉक्यूमेंट असेंबल कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है और उन्हें मेंटेन करके रख सकता है। लीगल जर्नलिस्ट जर्नलिज्म के अंदर भी आता है। एक जर्नलिस्ट लीगल फील्ड के अंदर या लॉ फील्ड के अंदर भी वर्क कर सकता है जिसमें लॉ फील्ड से रेलेवेंट टॉपिक्स ही होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है तो आप किसी भी लॉ एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप हेल्प कर सकते हैं सीनियर लॉयर को और असिस्ट कर सकते हैं उससे उसकी वर्क। अब आता है लिटिगेटर और ट्रेड लॉयर। लिटिगेटर स्पेशलाइज करता है लिटिगेशन के अंदर और ये हेल्प करता है आपको लीगल एक्शंस लेने के लिए किसी पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। पूरा प्रोसेस हैंडल करता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। लॉयर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एक पर्सन जो कि बैंकिंग इश्यूज से रिलेटेड, बैंकिंग में लीगल इश्यूज से रिलेटेड और इंश्योरेंस हम बहुत कॉमनली जानते हैं उससे रिलेटेड जितने भी लीगल इश्यूज है उनको हैंडल करता है। एडमिनिस्ट्रेटर लॉयर वो होता है जो कि असिस्ट करता है लॉयर को उसके फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई भी क्लाइंट है उसे ग्रीट करना है, उसके बारे में डिटेल्स लेनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब वो फाइल करके रखता है, वो अपने पास रखता है और उसे मैनेज करता है। फिर आता है स्पेशलिस्ट लॉ ऑफिसर हु टेक केयर ऑफ ऑल बैकग्राउंड एक्टिविटीज ऑफ बैंक इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेशलाइज्ड एरियाज। अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि लीगल प्रोसीडिंग कंडक्ट कराता है इन द बिहाफ ऑफ स्टेट और द पब्लिक इंटरेस्ट। आता है इन्वेस्टिगेटर जो कि सारे फॉर्मल इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट वो पीपल होते हैं स्पेशलाइज करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर। सॉलिसिटर वो होता है जो कि लीगल एडवाइस देता है एंड ट्रांसलेट द क्लाइंट्स इशू इनटू द लीगल टर्म्स। और अब हम बात करते हैं कि लॉ फील्ड में क्या स्पेशलाइजेशन होता है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, फैमिली लॉ, टैक्सेशन एंड फाइनेंस,
इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, लेबर लॉ, रियल एस्टेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने लॉ करियर चूज किया है तो इसके अंदर क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और क्या सैलरीज हो सकती है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दीज आर द कॉलेजेस विच आर टॉपली रैंक फॉर द लॉ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे आप, और आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप किसी फील्ड या कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो थैंक यू।